granted. Access granted. अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज यानी सैटरडे को जितनी भी शिफ्ट्स की क्लास हुई है आईटी कोर्स की, तो हर शिफ्ट में अनाउंसमेंट हुई थी जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करा गया था। बट इसी अनाउंसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी थी, मीन्स आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से चांस दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट इनामात जीतने का। ऑल्दो इस वीडियो के आगे मैंने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी उसे भी रिकॉर्ड करके लगाया हुआ है, बट वो रिकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से की थी, तो इसी वजह से वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो अनाउंसमेंट है उसे भी देख सकते हैं। आपको सिंपली ट्विटर को ओपन करना है और उस पर लॉग इन करना है, या फिर आप अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपल पोस्ट करना है, पोस्ट में आपको लिखना है #AwamiGovernorKamran Tessori, सही है, ये लिखकर आपको जो है वो पोस्ट करना है। अब पोस्ट करने के बाद आपको इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इस चीज़ को जो है ट्रेंडिंग में ला सकें, मतलब #AwamiGovernorSirKamranKhanTessori को ट्रेंडिंग में ला सकें, इसी वजह से ये चीज़ करवाई जा रही है। तो उसके बाद टॉप 11 स्टूडेंट्स या फिर टॉप 11 यूज़र्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पोस्ट करा हुआ होगा या फिर शेयर करा हुआ होगा, तो उन्हें जो है डिफरेंट प्राइजेस मिलेंगे। प्राइजेस में आपको बता देता हूँ, प्राइजेस में 5 मोटर बाइक्स हैं, 5 लैपटॉप्स हैं और एक जो है आईफोन 15 है। आपके इल्म है कि ऑनरेबल गवर्नर से मोहतरम जनाब कामरान खान तेसोरी साहब के इस गवर्नर हाउस में जैसे ही मोबाइल से गवर्नर सिंध तैनात हुए, उन्होंने बेशुमार से ज़बरदस्त काम किए कि जैसे आप और हम सब पसीनाई करते हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने न सिर्फ इस गवर्नर हाउस को आम लोगों के लिए खोल दिया, बल्कि साथ ही साथ बड़ी ज़बरदस्त यहाँ एक्टिविटीज़ भी करवाएं। और बिलखसूस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑनरेबल गवर्नर साहब ने न सिर्फ ईद उल फितर और बेशुमार लोगों को यहाँ पर इफ्तारी करवाई, साथ ही साथ मुल्क के मारूफ और मुमताज इस्लामिक स्कॉलर्स यहाँ तशरीफ लाते थे, साथ ही साथ ईद उल अज़हा का भी उन्होंने बड़ा अहतमाम किया। और हाल ही में जो ईद उल अज़हा भी 100 ऊँटों की कुर्बानी गवर्नर हाउस में की गई और उन सब का बोझ जो है गरीब लोगों में तकसीम किया गया, और वो लोग जो कि वाकई में चाहते हैं कि वो ईद उल अज़हा की कुर्बानी करें, लेकिन ऐसे बच्चे जो उनके पास वो तमाम वसाइल नहीं होते, तो गवर्नर साहब ने उस हवाले से भी उन बच्चों के लिए यहाँ पर जानवर का एहतमाम किया ताकि वो अपने घर पर ले जाए। इसके अलावा बिल ऑफ द होप है और दीगर इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनिशिएटिव्स जिसके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी हैं, जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोग उठाएंगे और आप वो लोग हैं कि जिन पर हमारे ये शहर कराची, सूबा सिंध, पाकिस्तान, क्योंकि आप ही हमारे वो एम्बेसडर हैं, वो लोग हैं कि जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इमेज को कायम करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने एक ज़बरदस्त वीडियो भी डाली और वो वीडियो थी कि जिसमें हाल ही में आप सबके लिए होगा कि जो जख्मी ऊँटनी जिसकी बाकर टांग काट दी गई और दुनिया भर में ये बड़ा एक गलत मैसेज गया कि किस तरह से हम जानवरों के साथ शुरू करते हैं, तो गवर्नर साहब ने उस हवाले से भी एक वीडियो डाली और उनके बेटे जैद कामरान तेसोरी ने भी डाली, और उस वीडियो के जरिए हज़ारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखी और यकीनन उसमें पाकिस्तान के एज ए गवर्नर की ऐसे से बात करते हुए तो उन्होंने एहसास किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, वहाँ के लोग इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और गवर्नर साहब की इन तमाम एक्टिविटीज़ को, ज़बरदस्त कामों को वो टॉप ट्रेंड हो और ट्विटर पर एज ए टॉप ट्रेंडिंग की, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी वसारी रहा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ अच्छे कामों को सरोकाज में करते हैं, तो लिहाजा उस ट्रेंडिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा रफना डाला और प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे नौजवान, आपकी दीगर क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और ख़ासतौर पर हमजा ने भी उससे बात की और भी दीगर अमीन साहब ने भी बात की, बिलाल ने भी बात की, तो आप लोगों ने जिस तरीके से आप सबको बताया कि किस तरह से हमें इन चीज़ों को वापस रिवाइव करना है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट कि सबसे पहले तो आप बराए मेहरबानी ये देख लीजिएगा, हमसा प्लीज़ शो कीजिएगा। आप सब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जब आप ट्वीट करेंगे तो #, इससे पहले कि आप ट्वीट करें मैं आपको ट्विटर अकाउंट बता देता हूँ,
हैश आप लोग चाहें तो लोड करें हैश, इसलिए इसके बाद जो मैं उसको रिक्वेस्ट में आपको फायदा होगा हैश अवामी अंडरस्कोर गवर्नर अंडरस्कोर कामरान अंडरस्कोर टेसोर, ये आपने हैशटैग देख लिया और ये आपके टीचर हमसा साहब ने भी इसे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। तो इस हैशटैग का जी बेटा, इस हैशटैग में आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपने सिर्फ एन लिखना है, जैसे ही आप एन लिखेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा अवामी गवर्नर। और हम सब ने बहस से थे अवामी गवर्नर, अगर आप समझते हैं कि गवर्नर साहब ने आपके लिए इतने ज़बरदस्त काम किए, इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए, इतने शानदार तरीके से उन्होंने काम किया, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर इस हैशटैग को आगे बढ़ाना है। अगर आप मेरी इस बात से गर्मी ज़्यादा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको वक्त देखें, अगर आप मेरी इस बात से मुतफ़िक हैं तो मुझे पुरजोर तालियां बजाकर हाथ उठाकर बताएं कि हम सब मिलकर गवर्नर साहब के इस ज़बरदस्त ट्रेंड को एक मतलब फिर मुझे ट्रेंडिंग करना है, ताकि गवर्नर साहब ने जिस तरह से यहाँ इनिशिएटिव्स लिए अभी शायद दीगर शहरों में भी जा रहे हैं और ये इनिशिएटिव्स बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हम सब मिलकर इंशाल्लाह गवर्नर साहब का साथ देंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जब आप माशाल्लाह ये सारे काम करेंगे, इससे पहले भी मैंने क्लासेस में आपको बताया, और तो इसमें हम इस तरह से करें, गवर्नर साहब की भी ख्वाहिश है कि जो 11 टॉप ट्रेंडिंग होंगे, जो 11 लोग होंगे, उनमें से 5 लोगों को लैपटॉप दिए जाएंगे यहीं पर गवर्नर हाउस में, 5 जो खास तौर पर नौजवान बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि 5 उन लोगों को जो है मोटरबाइक्स दी जाएंगी और 1 iPhone 15 दिया जाएगा। तो ये 11 टॉप ट्रेंडिंग लोग होंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आपने सब मिलकर, आपसे पहले की जो क्लासेस में मैं भी सुबह भी मैं आया था, आपसे पहले जो क्लासेस में मैंने बताया तो उन सब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एडमायर किया, गवर्नर साहब के इस मैसेज को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया, तो मुझे यकीन है कि आप भी जो है इस मैसेज को बहुत उमदा तरीके से लेंगे, आगे बढ़ाएंगे और गवर्नर साहब को हम एक मरतबा फिर टॉप ट्रेंड कर देंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब गर्मी भी ज़्यादा है, हमजा साहब भी तैयारी कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुखिल ना, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप ज़िंदगी के हर मैदानों में कामयाब हों, और जिस तरह से ऑनरेबल गवर्नर साहब भी शानदार खिदमत सर अंजाम देते हैं, हम उनके साथ मिलकर इनके ज़बरदस्त कामों को सराहें। तो एक मरतबा फिर जाते जाते पुरजोर तालियाँ, ताकि गवर्नर साहब को भी एहसास हो सके कि आप सब उनके साथ हैं, और साथ ही साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के खुदादे पाकिस्तान को सलामत रखे। आप जैसे जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियाँ, खासतौर पर बच्चियों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वजूद जन से तस्वीर है कायनात के रख, अब वो बेटियाँ हैं, अब वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने फैमिली को आगे बढ़ाना है, घराने को आगे बढ़ाना है, और आपके जरिए एक नस्ल पर मान चढ़ेगी। बाय द वे, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बाद में आप ऐसा बोलें कि आप सर प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो अगर आपको इस तरह से हैशटैग लगाना है या पोस्ट करना है तो आप करें, अदरवाइज़ नहीं करना तो नहीं करें। मैंने चीज़ आपको इसलिए बता दी क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो है सिर्फ आज सैटरडे वाले डे हुई थी, और सैटरडे के सारे शिफ्ट वाले स्टूडेंट को इस बारे में पता होगा, बाकी डेज के स्टूडेंट को इस बारे में नहीं पता था, इसी वजह से जो है वो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। एंड नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आइदर यू वॉन्ट टू पोस्ट और नॉट।